चिटफंड कंपनी जी लाइफ इंडिया डकलस एंड कॉन्विलाइजर लिमिटेड के विरुद्ध गुना जिले सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में निवेशकों के साथ हुई धोखाधड़ी के मामले में गुना कोतवाली में 11 अप्रैल 2018 को दर्ज FIR क्रमांक 266/2018 के सभी आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने पर सर्वसहित मां कल्याण वेलफेयर संगठन के द्वारा कड़ा प्रतिरोध जताते हुए आज 17 जून गुरुवार को पुलिस अधीक्षक गुना को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के जरिए निवेशकों द्वारा ये मांग की गई कि पुलिस में दर्ज FIR में शामिल सभी आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। ये आज किस संबंध में ज्ञापन? आज हम चिटफंड कंपनी जी लाइफ इंडिया डेवलपर एंड कॉलोनाइजर्स के संबंध में आए थे। माननीय SP महोदय को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमारी मांग है कि वर्ष 2018 में 11 अप्रैल 2018 में FIR जो की गई थी और उस कंपनी के जो FIR में जो दर्ज नाम है उसमें सारे लोग फरार हैं, आज तक गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। कंपनी का मालिक गिरफ्तार है, राजस्थान पुलिस द्वारा किया गया है। हमारी मांग है कि यहाँ के जो लोकल डायरेक्टर दर्ज FIR में दर्ज नाम सभी लोगों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करें, जिससे न्यायालय में हमारा जो प्रकरण चल रहा है उसमें हमें मजबूती मिले और हमारे निवेशकों को हमारा गाड़ी कमाई पैसा वापस मिल सके। अभी तक जी लाइफ इंडिया चिट फंड कंपनी के मालिक राजगढ़ जिले के पचोर निवासी गिरिराज पांडे को विगत वर्ष भोपाल में उदयपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था, किंतु बाकी आरोपी अभी तक फरार बने हुए हैं। पुलिस अधीक्षक को सौंपे ज्ञापन में सभी आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की मांग की गई। जी लाइफ के विरुद्ध दर्ज FIR में फरार चल रहे आरोपियों में कंपनी के MD सारंगपुर निवासी दीपक शर्मा, गुना के यज्ञ प्रसाद शर्मा उर्फ बबलू शर्मा एवं अमानत अली सहित कई आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर बने हुए हैं। आज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देने वालों में संगठन के जिला अध्यक्ष अरविंद सिंह अहिरवार एवं लक्ष्मी नारायण नामदेव, हरीश सिंह जाटव, नंद किशोर लववंशी सहित अनेक निवेशक अभिकर्ता शामिल थे। गुना से डंपी खान की रिपोर्ट।